डन वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंटिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कोई भी बंदा कंपनी में काम करता है तो कैसा है, वो वर्क ओवरलोड हो जाता है, टेंशन आता है, प्रेशर आता है, इस तरह वो काम नहीं कर पाता, डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है। तो इट ऑफन हैपन व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ यू ऑन योर प्लेट, फेस डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कंपनी में। सबसे पहली बात बच्चों लोग क्या मालूम है क्या, सबसे पहले व्हाट आर द स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंटिंग स्ट्रेस। सबसे पहले प्रायोरिटाइज एंड ऑर्गेनाइज, जो काम जरूरी है पहले वो करो। प्रायोरिटाइज मतलब पहला जो काम जरूरी है, जो नीडफुल है कंपनी में वो काम करो, और ऑर्गेनाइज करो मतलब टाइम रिसोर्स को अरेंज करो। इस तरह तुम्हारा क्या टेंशन आएगा नहीं, क्योंकि काम तुम्हारा अच्छे से हो रहा है ना, आपको टायर्डनेस एंग्शियस ये सब फील होएगा ही नहीं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करो ना ताकि सर पे प्रेशर ना आए। एंगेजिंग इन माइंडफुल प्रैक्टिस, जैसे कि डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन सुकून में बैठो, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कैन काम दी माइंड। अपना माइंड जितना काम रहेगा उतना उस तरह अपना क्या हो जाएगा मालूम है, हम लोग काम पे फोकस कर सकते हैं। ओके, ये भी एक तरीका है। और सीधी बात है भाई, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, खाओ पियो, साइकिलिंग करो। जितना बॉडी एक्सरसाइज को अपनी बॉडी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना हमारा बॉडी स्ट्रांग होएगा, उतना स्ट्रेस थोड़ा हद तक कम होता है। इस्टेब्लिश हेल्थी बाउंड्रीज, इसका मतलब होता है लर्न सेंट टू नो व्हेन नेसेसरी एंड सेट बाउंड्रीज। मतलब होता है जो काम नहीं जमता है उसको ना बोल दो। कोई बोला भाई चल कुरला घूम के आते, भाई नहीं जाने का, मेरे को काम है, सोना है, पढ़ना है। लर्न सेट टू नो व्हेन नेसेसरी एंड सेट बाउंड्रीज, बाउंड्री बना भाई इधर तक ही अपना काम है। अवॉइड ओवर कमिटिंग विच कैन लीड टू अननेसेसरी स्ट्रेस, ज़्यादा चीज़ करके मतलब नहीं, प्रेशर क्यों लेना है। और गेट एडिक्वेट स्लीप भाई, 7-8 घंटा सो दिन में आराम से भाई, 5-5 घंटा मत सो, 7-8 घंटा सो। जो सोएगा वो खाएगा, जो खाएगा वो भागेगा, वो आगे जाएगा, जो सोएगा नहीं वो खा नहीं पाएगा, नींद डिस्टर्ब होगा। ओके, स्लीप इज़ नेसेसरी। फिर बैलेंस डाइट, भर भर के मत खाओ भाई, पोटले हो जाएंगे एकदम। लिमिटेड वो खाना खाओ जो बदन में लगे, न्यूट्रिशियस फूड खाओ, है ना, शक्कर वाला खाना कम खाओ, तो क्योंकि शक्कर वाला खाने से स्ट्रेस बढ़ता है ना यार, ये भी ध्यान देना है। तो और जिस अच्छा खाना खाएगा तो ब्रेन भी खाएगा ना, रोटी खाओ ना भाई, घर का खाना खाओ। कनेक्ट विथ सोशल सपोर्टिव पीपल, मतलब वो लोग से जुड़ो जो तुमको सपोर्ट करते हैं, वो नेटवर्क से बनो जो तुमको ग्रो करेगा, तुम्हारे करियर को, तुम्हारे जॉब को, है ना। सपोर्ट नेटवर्क, फ्रेंड, फैमिली, कलीग्स, वो लोग से मत जुड़ो जो तुमको नुकसान पहुंचाएगा। ओके, सोशल कनेक्शन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, जितना सपोर्ट मिलेगा हम लोग इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, एडवाइस मिलेगा, स्ट्रेस रिलीफ होगा। जैसे जेटा लोग की टीम बात बैठ के बात करती है ना तारक मेहता में, सोशल सपोर्ट। एंगेजिंग इन हॉबीज, जो चीज़ अच्छा लगता है वो चीज़ करो, जैसे रीडिंग अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छा लगता है, साइकिलिंग अच्छा लगता है, है ना। जैसे मेरे को वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो मैं जितना वीडियो बनाता हूँ उतना मैं रिलैक्स होता हूँ। जो अच्छा लगता है वो काम करो, क्योंकि सेटिंग असाइड टाइम फॉर एंजॉयबल, अपना टाइम को एंजॉय भी करना है। मैं संडे संडे क्रिकेट भी खेलता हूँ, इसलिए कहते हैं मेंटल ब्रेक होता है। तो ये तरीका है स्ट्रेस को कुछ हद तक दूर करने का। ओके, एकदम सिंपल, एकदम पीसफुली आंसर समझा दिया। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।